हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप तो जानते हैं हमारे भारत देश के पहले प्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे छाई हुई है। क्या है उन अफवाहों के पीछे की सच्चाई, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसीलिए जब उनका देहांत हुआ 1964 में, तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा। उससे पहले चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होंगी कि हमने 14 नवंबर 2018 को हमारा चैनल शुरू किया था, और आज है 14 नवंबर 2019, तो हमारे चैनल आपला महाराष्ट्र को आज पूरा एक साल हो गया। दोस्तों इस एक साल की खुशी में आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो गलत अफवाह फैला जाती है उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अफवाह कौन फैला रहा है, और क्या है उन्हें दिक्कत पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और उन अफवाहों के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए हम उन अफवाहों के बारे में तफसीलवार एक एक अफवाहों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो अफवाह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में फैलाई जाती है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी ग्यासुद्दीन गाजी एक मुस्लिम थे, और वो अंग्रेज़ों के कोतवाल थे, और उन्होंने अपना नाम बदल के गंगाधर पंडित रखा हुआ था। दोस्तों ये अफवाह बिल्कुल बेबुनियाद है। एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके दादाजी कश्मीरी पंडित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे, एक ब्राह्मण है, और उनके बारे में जो अफवाह फैलाई जाती है ये बिल्कुल भी गलत और बेबुनियाद है। दूसरी और बिल्कुल एकदम घिनौनी अफवाह ऐसी फैलाई जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक वेश्यालय में हुआ था। दोस्तों इतनी शर्म की बात है कि हमारे देश के पहले पंतप्रधान, उनके बारे में इतनी गलत अफवाह फैलाई जाती है क्या उनका जन्म एक वेश्यालय में हुआ था, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बात है। दोस्तों तीसरी और उससे भी ज़्यादा घिनौनी अफवाह एक फैलाई जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक नन के साथ में अफेयर था। वो नन प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके लिए उसे विदेश भेजा गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिफिलिस नाम की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, वो सिफिलिस नाम की बीमारी हो गई थी, और उनकी डेथ भी जो हो गई थी वो सिफिलिस के वजह से हो गई थी। दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत और बेबुनियाद अफवाह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हार्ट अटैक से हो गई थी, और ये बिल्कुल भी गलत बात है। उनके बारे में बिल्कुल गलत गलत बिल्कुल बेकार की अफवाहें फैलाई गई है। दोस्तों एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का काम जो हुआ था ये भारत स्वतंत्र होने के बाद फौरन ही हो गया था, क्योंकि तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कट्टर हिंदुत्ववादी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। भारत देश आज़ाद होने के बाद में वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनना नहीं देना चाहते थे, इसलिए जो आरएसएस नाम की जो संगठना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए ये सब अफवाहें फैलाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी की हत्या के पीछे हाथ था, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे उनका षड्यंत्र था, ये तक आरएसएस के सर संघचालक एस के सुदर्शन है उन्होंने बोला था। मगर उस वक्त का जो प्रिंट मीडिया था उन्होंने इस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर आज का जो सोशल मीडिया है इनको ये बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अफवाहें वो ऐसे फॉरवर्ड करते क्या पूछो मत। आज के सोशल मीडिया ने इन बातों को बहुत ज़्यादा फैलाया गया और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बदनामी कर दी, क्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी की हत्या के पीछे हाथ था। हालांकि महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे सावरकर का हाथ था ये बात तो पुख्ता है, कि वह तो गोडसे ने तो गोलियां चलाई थी मगर उसके पीछे सावरकर का भी हाथ था। सावरकर के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए मुकदमा भी चलाया गया था, और इसका पुख्ता सबूत भी अभी भी अवेलेबल है। महात्मा गांधी जी की जो हत्या हो गई थी, गोडसे ने जो हत्या की थी, उसके पीछे सावरकर का भी हाथ था। सावरकर उस मुकदमे में थे मगर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से सावरकर उस मुकदमे से छूट गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी की हत्या के पीछे बिल्कुल भी कोई भी हाथ नहीं था, और ये बिल्कुल सिर्फ अफवाह थी। एक्चुअली ये अफवाह फैलाने के पीछे कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस है,
और इसके बिल्कुल सबूत भी अवेलेबल है। आप जाके देखिए जो भी आरएसएस के जो भी ट्विटर हैंडल्स है उसके ऊपर अभी भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ज़्यादा गलत जानकारियाँ फैलाते हैं। उन्होंने यहाँ तक के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का विकिपीडिया का पेज है उसमें भी उन्होंने काफ़ी छेड़छाड़ की है, उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी बदलाव किया, उसके अंदर काफ़ी गलत जानकारियाँ डालने की कोशिश की। तो ये आरएसएस ही वो संगठन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में गलत अफवाहें फैलाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू या आरएसएस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, इसलिए आरएसएस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा और उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई। एक और अफवाह ऐसी फैलाई जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अय्याश इंसान थे, वो एक छिछोरे और व्यभिचारी इंसान थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक फ़ोटो जो उनकी सिस्टर, उनकी बहन विजयालक्ष्मी पंडित एयरपोर्ट के ऊपर मिलते हुए उनकी एक फ़ोटो है, उस फोटो को वायरल किया जाता है और दिखाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अय्याश इंसान थे, एक श्री लंपट इंसान थे और उनके औरतों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध थे। तो ऐसी गलत गलत बातें दिखाई जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की पत्नी मृणालिनी साराभाई, इनकी एक फ़ोटो वायरल की जाती है जिसके अंदर उनकी वो सिगरेट जला रहे। ऐसे बहुत ज़्यादा वायरल किए हुए, फोटोशॉप किए हुए, एडिट किए हुए फ़ोटो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जिसके अंदर नेहरू जी को एक औरतों के साथ में सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए ऐसे गलत तरीके से दिखा गया। उसमें से बहुत ज़्यादा जो फ़ोटो है वो एडिट किए हुए फ़ोटो है, फ़ोटोशॉप की हुई फ़ोटो है। हमें तो वो इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है कि ये फ़ोटो एडिट किए हुए है, और हम लोग बहकावे में आ जाते हैं और हम लोग भी ये समझ लेते हैं क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सही में अय्याश थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री लंपट थे, और हम लोग भी उन अफवाहों में बहक जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये फ़ोटो सही है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे इंसान थे। कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमेशा नेहरू के छवि को दागदार बनाने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल मीडिया के ऊपर डाले हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया है, इसीलिए आज हमारे देश को जो आज़ादी मिली है उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा साथ है। आरएसएस इस बात को भी फैलाते रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अंदर झगड़ा था। हालांकि दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पंतप्रधान थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और दोनों ने बहुत ज़्यादा देश के लिए काम किया है, दोनों ने बहुत ज़्यादा देश के लिए बलिदान दिया है दोस्तों। एक बिल्कुल बेबुनियाद और हास्यास्पद बात यह फैलाई जाती है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुत्र हैं। दोस्तों ये बात इतनी हास्यास्पद है कि पूछो मत। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन इनके सुपुत्र हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुपुत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों ऐसे गलत गलत अफवाहें आरएसएस और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों ने फैलाए हुए हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ज़िंदगी के 3,259 दिन जेल में बिताए। 3,259 दिन, सोचिए दोस्तों 3,259 दिन यानी तकरीबन 9 साल जेल में बिताए। अंग्रेज़ों ने 9 साल तक उन्हें जेल में रखा है, तो ऐसे ही नहीं रखा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों से काफ़ी टक्कर ली है, काफ़ी उन्होंने देश के लिए लड़ाई की है, इसलिए उन्हें 9 साल तक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी है। ऐसे इंसान के बारे में हम लोग गलत जानकारियाँ फैलाते हैं और उन्हें गलत मानते हैं, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे इंसान थे, उनका कद बहुत बड़ा है, उन्हें आरएसएस कितना भी मिटाने की कोशिश करो तो वो मिटने वाला नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये देश के पहले पंतप्रधान थे, वो भारत के बहुत अच्छे पंतप्रधान थे, और हमें उनके ऊपर अभिमान है, हमें उनके ऊपर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।